शुक्रिया उपसभापति महोदय। सबसे पहले मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ। इस बिल का समर्थन इसलिए करती हूँ कि इस बिल से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। हमारे संस्कृति से का लगाव जो है वो संस्कृति से है और संस्कृति का लगाव सरोकार से है। महोदय, बहुत सारी तहजीबों ने, बहुत सारी सभ्यताओं ने जन्म लिया, लेकिन वक्त के बढ़ती रफ्तार के साथ उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता बची हुई है। जो जब जब कहा जाता है कि जो जो अपनी सभ्यता और संस्कृति का को संजो के रखता है उसका ही विकास होता है। और आज हम संस्कृत की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो 3 संस्थाएं संस्कृत की हैं उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा की बात हो रही है। महोदय, अगर संस्कृत की बात कही जाए तो धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो या गीता हो। और हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर के बहुत सारे द्वार में संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, इसलिए हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति बची हुई है। महोदय, जब संस्कृत की बात हो तो बिहार को अगर भूल जाया जाए तो ये गलत होगा। मैं संस्कृत की बात करती हूँ और मंडन मिश्र जी को और भारती जी को मैं याद करना चाहूँगी, इसलिए कि मंडन मिश्र जी से जब गुरु शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने गए तो मंडन मिश्र जी हार जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने हार नहीं मानी, बल्कि कहा कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, अर्धांगनी हूँ, और जब तक हमसे आप शास्त्रार्थ करेंगे और हार जब तक मैं नहीं मानूंगी तब तक मैं हार नहीं मान सकती। और शंकराचार्य जी जो हैं वो भारती जी से हार जाते हैं, उनका पराजय हो पराजित हो जाते हैं। और जहाँ तक मंदन मिश्र की बात है या फिर भारती जी की बात है, वो तो है ही, लेकिन उनका तोता भी अपने अतिथियों का स्वागत वो है वो संस्कृत में किया करता था। महोदय मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो या नालंदा विश्वविद्यालय हो, हमेशा से रोशनी बिखेरने का काम किया है महोदय। और भारत में का हमारा जो दरभंगा का संस्कृत विश्वविद्यालय है वो 1961 में इसका दरभंगा का ये किया गया, स्थापना हुई, और ये भारत का दूसरा और बिहार का पहला संस्कृत कॉलेज है। मैं चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि आप बिहार की तरक्की जो है वो हमारी संस्कृति हमारा है, इसलिए आप उस दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को भी आप केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दें। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हमेशा भारत जो है हमारी मिसाल रहा है कि भारत अनेकता में एकता की मिसाल रखता है। जहाँ हम संस्कृत की बात करते हैं, बिहार में उर्दू फारसी मौलाना मजरुल हक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूँ कि आप उस यूनिवर्सिटी को भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दें, इसलिए कि पूरे भारत में 10 अल्पसंख्यक केंद्र यूनिवर्सिटी खोलने का भारत सरकार की योजना है। और मैं मांग करती हूँ कि अरबी फारसी जो मौलाना मजरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, पटना में है, उसको भी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दें। मैं इसका समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी।